हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों आईपीएल 2023 में आज है महामुकाबला। जी हां दोस्तों, यह महामुकाबला जो कि है चेन्नई सुपर किंग बनाम लखनऊ सुपर जायंट के बीच में। या दोस्तों बता दें कि यह मुकाबला जो कि होने वाला है चेन्नई में, और वहीं बता दें कि चेन्नई जहाँ अपना पिछला मुकाबला हार गई थी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद ही अहम है। तो क्या होगा लखनऊ सुपर जायंट का बेस्ट प्लेइंग 11 और कौन से वह तीन सबसे बड़े खिलाड़ी रहने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट का, जो कि चेन्नई सुपर किंग को शिकार करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट का बेस्ट प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ क्या होगा। तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से होगा। केएल राहुल जो कि कैप्टन भी है और ओपनिंग करते हुए भी नजर आएंगे काइल मेयर्स के साथ। इसके बाद दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, निकलेस पुरोन, आयुष बदोनी, मार्क वुड, जयदेव उनाडकट, रवि बिश्नोई और अवेश खान। वहीं दोस्तों बात करें इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, कृष्णप्पा गौतम को फिर से यूज कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट, क्योंकि यह मुकाबला चेन्नई में होने वाला है और चेन्नई पर होने वाला है स्पिनिंग ट्रैक और कृष्णप्पा गौतम बेहद ही अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं बात करें तीन सबसे अहम खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट का जो कि चेन्नई सुपर किंग का शिकार करने में अहम भूमिका निभाने वाली है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम है कप्तान केएल राहुल। या दोस्तों भले ही फॉर्म में ना हो, लेकिन केएल राहुल का जब बल्ला जिस दिन चलेगा उस दिन अकेले अपने दम पर मैच जिताने का क्षमता रखते हैं। इसके अलावा काइली मेयर्स जो कि बेहतरीन फॉर्म में, इन पर सभी का नजर रहने वाला है, और मार्क वुड। या दोस्तों मार्क वुड भी बेहद ही अहम खिलाड़ी रहने वाले हैं। बात करें चौथे खिलाड़ी जिनको हम लिस्ट में नहीं रखा था लेकिन इनका नाम जरूर बताना चाहेंगे, रवि बिश्नोई। या दोस्तों रवि बिश्नोई एक्स फैक्टर साबित होने वाले आज के मुकाबले में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है लखनऊ सुपर जायंट का कैसा रहेगा प्रदर्शन, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।